ऑलमोस्ट 140। भाई साहब क्या भगाई है यहाँ पर गाड़ी यार, तो ऐसे भी चढ़ा दूंगा यार। अरे यार ओ भाई साहब क्या है ये, ओए कर दिखाया। देखो प्रथम भाई मैगी बना रहे हैं हमारे लिए, ये देखो। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो आज डे 3 की शुरुआत हो गई और कल रात को मैं इतना थक गया था यार, जो मैंने आपको ब्लॉग दिखाया था प्रीवियस वाला, कि आप गुंजाइश नहीं थी, हम डाटा भी कॉपी नहीं कर पाए, लेट गए यहाँ आकर के। और सुबह सुबह उठे तो मैंने सोचा यार अब नहा धो लेते हैं और मैं रेडी हूँ बिल्कुल। बस ये समझ लो कि बाहर का वेदर इतना ज़्यादा बढ़िया हो रहा है, अभी आपको दिखाऊंगा। एक बार मैं आपको रूम टूर करा देता हूँ दोस्तों, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए हमने रूम कैसे लिया। अभी सारा सामान फैला हुआ है तो सामान लगाने वाले हैं, गोप्रो वोप्रो उधर पड़ा चार्ज हो गया है, ये अपना वॉशरूम का पूरा पीछे का एरिया। लेट्स सी, ये देखिए आप, वो प्रथम है नीचे एंड अपनी बाइकें जो पार्क हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, ओपनली हैं। सो ये बाइक्स पार्क हैं, ये देख लीजिए आप, और ये कुछ इस तरीके से बिल्कुल टूर है यहाँ का। ये पूरा फॉग फॉग हो रखा है और आज सुबह से भाई बहुत बारिश हुई है इधर। जितने भी होटल्स लिए अंदर में, अपनी ये कोशिश रही कि हम व्यू पॉइंट सबसे पहले अच्छे से अच्छा व्यू पॉइंट ले पाएँ, और हमें व्यू पॉइंट भी मिला। सो दोस्तों डे 2 वाला जो ब्लॉग था वो तो मैं ऑलरेडी एंड कर चुका हूँ, सो आज है डे 3 की शुरुआत। गुड मॉर्निंग दोस्तों, डे 3 में आपका स्वागत है। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं मसूरी से ऋषिकेश, ऋषिकेश में प्रथम करेगा बंजी जंपिंग वगैरह, और ऋषिकेश में बंजी जंपिंग के बाद हम जाएंगे हरिद्वार, हरिद्वार में एक बार गंगा जी घूमेंगे। जो आपने फर्स्ट से लेकर सेकंड सीरीज तक प्यार दिया मुझे खुशी है, आगे भी आप देते रहेंगे, आज डे 3 वाला ब्लॉग पे भी आप एक्सट्रीम प्यार दीजिए। चलो अब मिलते हैं सीधे मोटो ब्लॉग पर। लेट्स सी दोस्तों, अब रूम चेकआउट का टाइम आ गया है, सुबह के मॉर्निंग के 10 बज रहे हैं, और यहाँ लास्ट टाइम जो होता है अपने पास 10 बजे तक का होता है। वरी आप सीनिक व्यू सामने का देख लो, और हम जो होटल में रुके थे वो ये होटल था स्काई टच, काफ़ी अच्छा होटल था वैसे, बढ़िया रहा यार, यहाँ का एक्सपीरियंस ऑसम है। ये कुछ प्रॉपर्टी थी और हमने लोकेशन देख करके लिया था, अच्छी सी लोकेशन पे, बस यार यहाँ बारिश इतनी ज़्यादा हुई है, अनप्रडिक्टेबल बारिश हुई है ये समझ लो। कल रात हमने यहाँ गोप्रो के लिए माइक एडेप्टर भी देखा, यहाँ किसी पे अवेलेबल नहीं था एडेप्टर, मैं फिर से दिक्कत आ गया है दोस्तों, नया एडेप्टर लेने के बाद में इनकी यार गारंटी नहीं होती, कितना लॉस झेलूँ यार मैं, यार लॉस पे लॉस हो रहा है मेरा भाई, कितना फॉग है ये देख लो, एक्सट्रीम हालत ख़राब है भाई। अब हम सीधे यहाँ से पहुँचेंगे ऋषिकेश, और ये 300-400 मीटर का रोड का जो पैच है वो ऐसे ही बताया है, थोड़ा सा गड़बड़ है, बाकी यार इतना तो चलता है। ऑफ रोड सब जैसे अपनी लाइफ में सारा वक्त एक जैसा अच्छा नहीं रहता ना, अच्छा बुरा दोनों चलते हैं, वैसे ही इन रोड्सों से हमें ये समझ में आती है कि भाई कहीं ख़राब है कहीं अच्छा है, तो गियर जब उतारते चढ़ाते तो वही ज़िंदगी है भाई, जहाँ पर लाइफ थोड़ी सी स्ट्रगल करने लगे गियर डाउन कर दो, चीज़ें सुधरने लगती हैं, और जहाँ लगे आपको सब कुछ स्मूथ चल रहा है तो गियर अप कर लो और अच्छे से चलने लग जाएगा। बस आपको सेटिंग चाहे गाड़ी की हो चाहे रोड्स की हो चाहे लाइफ की हो, मैचिंग करना आना चाहिए, सारी परिस्थितियों में अच्छे से रहना आना चाहिए। और आप कहोगे सुबह सुबह क्या यार मोटो ब्लॉगर होकर ज्ञान बांट रहा है, देखो ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ, जो मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है वो आप लोगों से कर रहा हूँ शेयर, ओके। अभी ये लोग भी बाइक से आए हुए थे, कल हमारी इनसे बात हुई थी, बट यार इनके हेलमेट्स वगैरह पता नहीं कहाँ हैं, ये ऐसे ही हो सकता है लोग घूमने निकले हों, ये भी हो सकता है। होप करता हूँ यार आज वाला दिन बढ़िया बीते अपना। देखा पता नहीं ये कौन सा टेम्पल है मसूरी में, आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता है, और इतना समय भी नहीं था कि हम यहाँ आके घूमें। सो कोई टेम्पल था यार अच्छा, अब जो भी अगर मसूरी से देख रहा है ये ब्लॉग्स, तो यार कमेंट करके बता देना क्या था, जो भी टेम्पल है हाथ जोड़ लेते हैं, अपना काम है, राइड अच्छी हो हमारी, किंग क्रैंग एंड हरिद्वार देहरादून दिल्ली सीधे, ओके चलो। बाकी राइड यार गॉड अच्छी जाए, मैं गॉड से प्रे करूंगा अपने लिए, और आप भी मेरे लिए प्रे करो मैं खूब सक्सेस हूँ, जैसे आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ अभी। भाई यहाँ का जो टेम्परेचर कुछ 15-16 डिग्री हो रखा है, सुबह थोड़ी सी हल्की सी गर्मी लगी, धूप निकली थी, अभी वापस से बारिश स्टार्ट होने वाली है, फॉग की कंडीशन आप देख लो क्या हाल है। बाकी अब कुछ देर तक ऐसे ही रोड रहेंगे देहरादून से मतलब ऋषिकेश के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो अभी दोस्तों मैं आ रखा हूँ यहाँ पर, और हैप्पी मोमेंट के नाम से है। सो चल के आ रहे थे ऋषिकेश से तो व्यू पॉइंट अच्छा दिखा, मैंने कहा कुछ पेट पूजा कर ली जाए, बाइक हमने पार्क कर दिए हैं उस साइड, टाइम अभी ज़्यादा नहीं है, 10:42 है, सो समय यार अच्छा निकल रहा है आज, और मैं यहाँ से वो निकाल लेता हूँ पावर बैंक, जिससे कि मैं गोप्रो को भी
चार्ज कर लूँगा। एक बार मैं टायर इन्फ्लेटर निकाल करके एयर प्रेशर भी चेक कर ही लेता हूँ साथ के साथ, जिससे कि मेरे को एक आइडिया मिल जाए कि मेरा टायर प्रेशर सही है या गलत है। ये मैं लेके चला था दोस्तों घर से ही। भाई ये सारी एसेंशियल चीज़ें आप मेक श्योर करें कि इसको ले करके चलें जब भी चलें राइड पर, ये बड़े काम की चीज़ें। सेटिंग्स इसकी बहुत सिंपल्स होती हैं। आगे मैं 28 के आसपास रखने वाला हूँ एयर, देखते हैं क्या रिज़ल्ट है। ठीक है, एयर प्रेशर तो बिल्कुल ओके है, ये भी ओके ही होगा। लो जी लो, यहाँ गड़बड़ थी, 37। तभी तो मैं कहूँ गाड़ी बाउंस क्यों कर जा रही है। अब इसको ज़रा घुसाना थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा। चलो मैं इसको घुसा लेता हूँ, देन उसके बाद आपसे मिलता हूँ अंदर बैठ करके। व्यू काफ़ी अच्छा है यार इधर का, ये देख लो दोस्तों। प्रथम ने वैसे नाश्ता कर लिया था, मैंने कुछ नहीं किया था, सो मैं आ गया हूँ सेफ साइड, अभी तो खाली पड़ा है। ये देखो क्या क्या है यहाँ पर अवेलेबल। अपना मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हल्का सा, एक सादा मैगी बिल्कुल, और ये कॉफ़ी, और साथ में गोप्रो की चार्जिंग, ये सब लगा हुआ है यहाँ पर। लीन वीन मारने में काफ़ी सही लग रहा है अब तो, कुछ एनर्जी आ गई है ना पेट में। बाकी सबको देख के चलना पड़ता है यार, कोई सामने से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। ये गई लीन। फर्स्ट वाले ब्लॉग में यार दोस्तों आप लोगों को बहुत इन्जॉय किया होगा, मेरे को उम्मीद है इस बात की बिल्कुल। अभी दोस्तों ऋषिकेश यहाँ से कुछ 35 किलोमीटर रह गया है, और रोड्स काफ़ी अच्छी आ रही है। पीछे तो काफ़ी ख़राब थे यार, 30 35 40 50 से ऊपर नहीं जा रहे थे, अभी 100 से भी ऊपर हम लोग कैरी कर पा रहे हैं स्पीड को। सो रोड्स यार बहुत अच्छे हैं, अब रोड्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। अच्छा ये कोई ब्रिज है यहाँ पर, ओवर ब्रिज वे भी। कोई अगर यहाँ से वीडियो देख रहा है दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं कहाँ पर हूँ इस समय पर। आई थिंक अब हम लोग कनेक्ट हो गए हैं ऋषिकेश में। सो काफ़ी फास्ट आए, अच्छे आए, अब फिर से सीनिक व्यू चालू हो गए हैं यहाँ के। बट यहाँ गर्मी है यार, वहाँ नहीं थी मसूरी में, यहाँ गर्मी लग रही है, और गर्मी कम ह्यूमिडिटी ज़्यादा है यहाँ, क्योंकि ग्रीनरी है ना ऊपर से, जो गर्मी सूरज की किरणें पड़ती है तो ह्यूमिड होता है मौसम, चारों तरफ गंगा है। इस गाड़ी ने यार इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है ना दोस्तों, मतलब मैं इसके बारे में क्या ही कहूँ यार, बहुत बढ़िया चलती है यार ये। इवन ट्रिपल डिजिट स्पीड पर जो इसका मज़ा आता है ना, असली मज़ा तो इसका ट्रिपल डिजिट स्पीड पर है रोडर का। सो मैं आराम से 130-140 बहुत ईजिली क्रूज़ कर पाता हूँ, इसमें कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होती मेरे को यार। देखो जो तारीफ़ है वो बताऊँगा, और बाकी अगर हिली स्टेशन पर जाओ तो ज़रा दिक्कत देती है, क्योंकि ये भारी है, जल्दी से आप कटवट नहीं मार पाओगे इसमें। तो भैया गंगा के दर्शन होना शुरू हो गए, हर हर गंगे, मज़ा आ गया भाई सब देख करके। ये वाला ट्रिप जो हमारा है ना, ये यादगार रहेगा हमारे लिए। प्रथम ने और मैंने इसे बहुत सक्सेसफुली अच्छे से करा है इस ट्रिप को, कोई जल्दबाजी नहीं रखी है, कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं भगा रहा हूँ तो प्रथम कम पड़ रहा है, या मतलब प्रथम से कम चल रही है तो मैं तेज़ भगा रहा हूँ, नहीं। अगर मैं आगे भी निकल जाता हूँ तो रुक कर उसका वेट भी करता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है, बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। पहले डिसाइड हो गया था कि 80-90 एवरेज स्पीड निकालेंगे। अभी मैं दोस्तों ऋषिकेश में हूँ, और ये आई थिंक दर्शन महाविद्यालय कोई झूले टाइप का है, पता नहीं राम झूला है या लक्ष्मण झूला है, जो भी था। अगर कोई देख रहा है वीडियो तो यार प्लीज़ बता दो, क्योंकि मैं तो भूल भाल गया हूँ। बहुत पहले आया था यहाँ, जब मैं काफ़ी छोटा था उस समय आया था। GoPro की बैटरी ऑलमोस्ट ड्रेन पर है पूरी की पूरी, और मेरी गलती देखो कि मैं एक्स्ट्रा बैटरी भी नहीं कैरी करके चला हूँ, इसी को चार्ज कर रहा हूँ, इसी से अभी काम चला रहा हूँ। यहाँ मैंने एक चीज़ देखा दोस्तों, उत्तराखंड में लड़के लड़कियों का बहुत क्रेज़ है भाई, मैं बुरा नहीं मानना, आप अगर कोई रहता है तो, मैंने देखा यहाँ पर अपनी लाइफ से ज़्यादा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पटाने में लगे रहते हैं लड़के। और मैंने एक दो लोगों से बात भी किया है यहाँ पर, तो उन्होंने बताया भी मेरे को कि हाँ भैया यहाँ का ट्रेंड है, शौक है वो। ऐसी जगह पे लीन मत मारना दोस्तों, वरना आप गिरोगे ऐसे, समझ में नहीं आएगी क्या हुआ, क्योंकि गोल गोल जो गिट्टी पड़ी होती है ना, इस पर टायर बहुत जल्दी स्किड होते हैं अक्सर करके, ऐसा होता ही है। तो मैं यहाँ पर कोई भी उस्तादगिरी नहीं दिखाऊँगा किसी भी प्रकार की, क्योंकि जैसे हम लोग सेफ़ आए ना, वैसे ही सेफ जाने का अपना काम बनता है। ये देखो दोस्तों गंगा जी कितनी थी एकदम बढ़िया। और यहाँ 2 सेकंड के लिए रुकते हैं, एक एक पिक्चर निकालते हैं, देन उसके बाद बढ़ेंगे आगे को।
दोस्तों यहाँ लिए हमने कुछ फोटोग्राफ्स, काफ़ी अच्छे अच्छे आए हैं, मिल जाएंगे आपको। इंस्टाग्राम आई डी आ रही है कचतुरी बाइकर, फॉलो कर लेना। लगभग आधा घंटा हम लोग यहाँ रुके हैं। अभी हमारा घर तकरीबन 450 किलोमीटर है यहाँ से, बट सोच रहे हैं आज कुछ कैंपिंग वैम्पिंग कर लें ऋषिकेश में, अगर टाइम बचा तो निकल जाएंगे हरिद्वार की तरफ, वरना इधर ही रुक जाएंगे हम लोग। सो एक छोटा मोटा और अच्छा ब्लॉग तैयार हो जाएगा, एक और व्यू। लो ये लो भैया, ये किस चीज पर्ची किस चीज़ की होती है भैया? ये एंट्री। अच्छा दिखाना प्रथम। सो ये क्या जगह कौन सी है? ये 2022 रुपीज़ की दोनों गाड़ियों की। लो प्रथम, वाटर क्रॉसिंग, यस माय फेवरेट। सो भाई पहला वाटर क्रॉसिंग आ गया है, ये देख लो आप कितना बढ़िया है। ओ जूतों में ठंडा ठंडा पानी गया, पहला वाटर क्रॉसिंग मज़ा आ गया भाई, एकदम मज़ा आ गया है ना, एकदम बढ़िया। देखो पहाड़ियाँ वाड़ियाँ ऊपर से, और साइड में ये देखो पूरा गंगा मैया। दोस्तों देखो इन ब्लॉग्स को अगर आपने लाइक और शेयर और कमेंट नहीं कराना तो फिर बेकार है, अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। आज डे 3 है, डे 3 में भी हम भाग रहे हैं आप लोगों के लिए, ब्लॉग बना रहे हैं अच्छे अच्छे अपना काम छोड़ करके। इवन ये देखो भाई मेरा दिल खुश हो गया यार, कुछ भी कहो इधर यार आकर के दिल खुश हो गया बहुत ज़्यादा। नज़ारे यहाँ के अलग ही हैं, बिल्कुल बढ़िया। चिटका ठीका चिटका ठीका चिटका ठीक। अभी दोस्तों व्यू देखो, बिल्कुल लेह लद्दाख जैसा व्यू चल रहा है पूरे चारों तरफ। ये देखो ऊपर पहाड़ियाँ वाड़ियाँ सी हैं, ऑफ रोड है, साइड में नदी है। मैं इस साइड आके एक बार और अच्छे से आपको जस्टिफाई करा पाऊँगा। अब आप देखो साइडों से कितना सुहाना लग रहा है यार, व्यू बहुत अच्छा है। काफ़ी अच्छे पॉइंट्स इस बार कवर किए हैं हमने, कोई जल्दबाजी नहीं रखी है। मेन बात यह है कि हम लोग फुर्सत से निकले और पॉइंट्स हमने काफ़ी कवर कर रखे हैं अपने। इधर गई तो भाई साहब गाड़ी गिरेगी, पर इतना एक्सपीरियंस किस काम में आएगा, गिर जाए तो फिर चलाने का मतलब ही क्या है यार। सीधे जूता भिगाऊंगा मैं तो अपना। आहा ओए ओए मज़ा आ गया। ये देखो दोस्तों कि अब छोटे छोटे वाटर क्रॉसिंग्स तो मिलते रहेंगे। शट डाउन ही करने वाला था फिर से व्यू यार, फिर दोबारा एक अच्छा व्यू मिल गया मेरे को। ओ भाई भाई ये क्या करके निकाल रहे हैं भाई, बिल्कुल वहाँ चुपका करके भाई, बड़ा कर रहा काम है बिल्कुल यार। देखो दीवार के पास से निकालना पड़ रहा है, इन्हें गाड़ी गिर गई तो क्या होगा भाई। अब रोड हुआ है छोटा, असल में जो मैं बोला था ना आप उधर साइड से आएंगे तो भाई साहब हमें भी ऐसे ही बचा बचा के निकालना पड़ेगा। फिर से एक क्लीन पॉइंट स्ट्रेट एकदम। भाई एक कोई जगह आ गई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया बंजी जंपिंग का, शायद यहीं से हमें पास वास लेने पड़ेंगे। मैं तो करने वाला नहीं हूँ, मुझे ये सब चीज़ें पसंद भी नहीं है। प्रथम को करने का शौक है, नो मास नो एंट्री। भाई बंद पड़ा है क्या? डेट 2020 लिखा हुआ है, बंजी जंपिंग 3700, गेट एंड स्विंग 3700, इसका है फ्लाइंग फॉक्स का 2000, फ्लाइंग फॉक्स सोलो का है 35। ये एक्टिविटी वीडियोस भाई यहाँ पे आने के बाद दोस्तों एंड मौके पर लग रहा है प्रथम का सपना पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि रीज़न क्या, ये पूरा ऑफिस क्लोज पड़ा हुआ है। अभी एक दीदी और एक भैया थे यहाँ पर, वो बता रहे थे कि यार उन लोगों ने बोला है हम खोल सकते हैं, एटलीस्ट 8 से 10 लोग हों तब। सो वो लोग तो निकल चुके हैं, अब हम दो ही रह गए हैं प्रथम और मैं। अब देखते हैं क्या होता है, कुछ सेटिंग लगा के देखते हैं। वैसे सेटिंग काम करेगी नहीं अगर उन दोनों पर तीनों पर नहीं करा तो फिर बाद में। अब भाई मैं इधर रुकूंगा नहीं ऋषिकेश में, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे और सीधे अब अपने आगरा को गाड़ी लगाएंगे। क्यों प्रथम, फिर कोई मतलब नहीं बनता जब अपना पर्पस हल नहीं हुआ। बाकी देखते हैं हरिद्वार साइड से निकलेंगे तो वो भी आपको टूर दिखा देंगे। बाकी यार इस रोड के नज़ारे बहुत डिसेंट थे यार, और इतनी गाड़ी चलाने के बाद में भी इतनी अगर एनर्जी है मेरे अंदर में तो ये सब आपका प्यार और सपोर्ट ही है दोस्तों। और आगे भी बस यार ऐसे ही प्यार करते रहना,
ये बंजी जंपिंग अब नहीं खुला, कोई दिक्कत नहीं, फिर आ जाएंगे यार अपने लिए 400-500 किलोमीटर, कोई बड़ी बात नहीं है, इंस्टेंट लगा देंगे। बस आप दुआ करो गॉड से कि हम लोग सक्सेस हो जाएं, एक बहुत नेक्स्ट लेवल पर पहुंचे, तो बहुत सारी चीज़ें नेक्स्ट लेवल करनी है आगे। बारिश आ गई दोस्तों, बारिश। भीगेगा आप कैमरा? अरे ये क्या है भाई, मैं तो डर गया। मैं भी पानी पानी भर गया, जगह जगह यहाँ पानी, हर जगह पानी भरा हुआ है भाई। बस बारिश के मारे हालत ख़राब है, रुकने का नाम नहीं है। लाइफ के सबसे अच्छे दिन बिताए दोस्तों, ये झरना सा था, यहाँ बैठे हम लोगों ने फोटोग्राफ्स लिए और यहाँ पे हल्का सा मुँह हाथ धो लिए और बस मज़ा आया भाई यार ऐसे व्यू पॉइंट के लिए। अब यहाँ से निकल रहा हूँ मैं, एक बार सारा सामान चेक कर लेता हूँ, फ़ोन वोन सब रखा है, ठीक है, ओके चलते हैं। चलो प्रथम, हल्का सा मैंने अपने हेलमेट में ब्लूटूथ इंटरकॉम के थ्रू म्यूज़िक बजा लिया है और बारिश फिर से हो गई है स्टार्ट। भाई साहब आज बारिश नहीं लगता रुकेगी, देखते हैं हरिद्वार में रूम ले लेंगे अगर ज़्यादा बारिश होगी तो, फिर आगरा जाने का पोस्टपोन करना पड़ेगा। कुछ देर के लिए दोस्तों हम यहाँ फ़ोटो कराने के लिए रुके थे, आप पॉइंट देखो यार कितना बढ़िया पॉइंट है। मैं बोल रहा था ना मेरी मेमोरी के सबसे अच्छे दिन में से एक दिन है यार, पूरे दिन बारिश, ऊपर से ये मौसम, गंगा, बिल्कुल गंगा जी मेरे सामने है। लुक देखो यार, इससे ज़्यादा और क्या होगा मेरे लिए लुक यार, आप बताओ, मतलब बहुत ऑसम राइड जा रही है यार ये। अब मैं सही बता रहा हूँ आपको, मेरा दिल इतना ज़्यादा खुश हो गया है अंदर से, बहुत ज़्यादा। फिर तुमने बाइक खींच दी, अब फ्यूल अप कराएंगे कहीं पे जा करके, अभी बारिश स्टार्ट है बट हल्की हल्की है, ज़्यादा नहीं है, अब इतनी तो चलती है यार। आज प्रथम ने हमारी गाड़ी चलाई, बता रहा भारी बहुत है भैया। भाई साहब क्या व्यू है यार, काश मैं यहीं कहीं रहता होता तो कितना अच्छा होता, जो हमारे ब्लॉग्स हैं और ज़्यादा सुंदर सुंदर होते। कोई बात नहीं है, आते रहेंगे यार यहाँ, जैसे आप लोग बुलाएंगे वैसे आते रहेंगे। अगर दोबारा से आप लोगों की डिमांड आती है ब्लॉग पर कि भैया आ जाइए तो फिर से आएंगे हम यहाँ। अभी गोप्रो की बैटरी डाउन थी, उसके बाद में ही मैंने कुछ जुगाड़ करा, यहाँ खींचता हूँ 100 लगाता हूँ। हंड्रेड ऑन दी गंगा जी के साइड में, ये भी मेमोरेबल रहेगा, 100 से भी ऊपर लगा रहे हैं हम। दिस इज दी क्वाइट रिस्की बट यार एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है, पता नहीं कितनी है। ओ भाई 120 के आसपास, ओ भाई साहब क्या व्यू है यार, सीरियसली ऑसम। अब मैं एक बार बता दूं, इसी से बात करके गया था जान पूछ करके अपने रोड ट्रिप से, मैं देखना चाहता था मेरे लिए कितना लकी है यार, मेरे लिए बहुत लकी रहा। अब मैं ये बात उस इंसान को बताऊँगा जिससे मैं इवनिंग में मिला था, बढ़िया रहा यार मेरा पूरा सफ़र, थैंक यू यार मिलने के लिए। क्रेजी यार, क्रेजी, माइंड ब्लोइंग। इतना हमने हाईवे नहीं भगाई है, इतना यहाँ भगा रहे हैं। अब आप में से बताओ कौन कौन राइड करना चाहता है हमारे साथ इस व्यू को देख के, प्लीज डीएम करो, डीएम। ऑलमोस्ट 140, भाई साहब क्या भगाई है यहाँ पर गाड़ी यार। वाओ दैट्स ग्रेट यार, ओए होए, अरे यार, ओ भाई साहब क्या है ये, ओरे रा 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 रा, कर दिखाया। इवनिंग हो गई है और बहुत बढ़िया व्यू पॉइंट पे हम खड़े हुए हैं, अभी वाटर क्रॉसिंग्स वगैरह करी है, तो ये देखो पूरे कपड़े भीग गए हैं और ये भैया हमें एक मिल गए हैं, बहुत बढ़िया भाई, इनका नेचर है और ये मोटो व्लॉगिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, सो इन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया। भैया दिखाइए चैनल, ये देखिए दोस्तों, हाँ कोई भी ऐसी दिखा दो, ये देख लो दोस्तों। तो भाई सबसे पहले भाई को धन्यवाद कि इन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया,
और क्या नाम था भैया आपका? मेरा नाम अमित। अमित, सो ये डे टू वाला, आज हमारा डे थ्री वाला ब्लॉग है। पहला पार्ट आएगा, दूसरा आएगा, तीसरे में आप आओगे, डे थ्री वाला आएगा, ठीक है ना? ओके, दो दो दिन छोड़कर भैया को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। बिल्कुल भाई, थैंक यू थैंक यू भैया का चैनल बहुत। क्या करते हैं भैया आप? अपनी बाइक पार खड़ी हुई है, ये देख लो, और पूरा ये व्यू था। एंड हम लोग जो आए थे वो यहाँ से पूरे वाटर क्रॉसिंग से आए थे, इस तरीके से डीप वाटर क्रॉसिंग में, और एक दो शॉट्स निकाले हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, अभी मैं आपको दिखा दूंगा वो। ये देखो प्रथम भाई मैगी बना रहे हैं हमारे लिए, ये देखो। और भाई छोटू, तुम्हारा नाम? राहुल शर्मा। राहुल शर्मा, मेरे भाई का भी नाम राहुल शर्मा है। ओए होए, प्रथम ने मैगी बनाई है, ये देखो डिलीशियस मैगी। अरे यार और पकेगी, अभी कच्ची है वो? अरे कच्ची है प्रथम, पानी नहीं है, जल जाएगी। नेक और पानी डालो उसमें, कर रही है वो, कर रही है यार, दिख रही है? नहीं है। सही है, चलो भाई प्रथम ने बनाई है तो मैं बहस नहीं कर सकता, अच्छी बनाई होगी, लाल टेस्ट करेंगे। और यार आज की शाम यार इतनी बढ़िया बीतेगी, मेरे को अंदाजा नहीं था बिल्कुल भी लिटिलली। और हरिद्वार देखते हैं, हो सकता है रुक जाएं या फिर डायरेक्ट निकलेंगे, जो भी है। स्टेमिना बिल्कुल डाउन नहीं पड़ रहा है आप लोगों के प्यार से यार, मतलब धूम मचा दी यार हम लोगों ने इस बार, तबाही ब्लॉग है, तबाही, बिल्कुल तबाही ये समझ लो, बहुत बढ़िया। एक बार टाइम देख लो, टाइम हो रहा है इस समय पर भाई साहब 6:35, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था यार, ये गंगा जी हैं। सो अब यहाँ से निकलते हैं और जो भी होगा आपको रास्ते में दिखा देंगे। वैसे तो अभी जंगल वाला रास्ता ही है, यहाँ जानवर अनवर निकलने का खतरा रहता है, उन्होंने ये बताया था भैया, तो थोड़ा सा सेफ करके जाना, बाकी तो हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। अभी दोस्तों नाइट हो गई है, नाइट में देख लो हम लोग चल रहे हैं और मेमोरी कार्ड हो गया है फुल मेरा, सो गोप्रो पता नहीं कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। ये पूरा गंगा जी का एरिया है, ये साइड से बहुत अच्छा व्यू है, मतलब मैं यहाँ से चल रहा हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है। अब आई डोंट नो आप लोगों को कितना साफ दिख रहा है, कितना बढ़िया दिख रहा है, ये मैं नहीं कह सकता। बाकी ये दोनों तरफ गंगा जी हैं और ये सिंगल रोड है भाई, बहुत औसम है। और कोई आना चाहता है, कोई ड्रोन शॉट चाहता है तो बिल्कुल बहुत अच्छे आएंगे। और मैं सीधे मिलता हूँ हरिद्वार, हैं हरिद्वार में। सो ये देखो गंगा जी और कितने जामों में, अभी गोप्रो हैंग हो गया था तो ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाया, बाकी हम ऐसे ऐसे रास्तों में से आए हैं ना कि क्या ही बोलूँ। अभी भी संघर्ष जारी है, मुझे नहीं पता, प्रथम ने मैप लगा रखा है, गूगल माता हमें कहाँ कहाँ होकर ले जाएंगी, पर पहुँचा तो देंगी, ये बात तो कन्फर्म है। अरे यार इसमें क्या मेरी गाड़ी निकलेगी? नहीं, इस वाले में निकल जाएगी शायद से। निकल तो गई, लेट्स सी गंगा मैया। पूरा मतलब औसम है यार, एक नंबर। अभी हालत देख लो दोस्तों, कितने थक गए हैं। प्रथम सही बताओ, रूम देखने में कितने परेशान हुए? बहुत ज्यादा भाई यार, हरिद्वार के अंदर में पता नहीं जो पार्किंग है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे, बड़े मुश्किल से हमें होटल मिला है। सो मैं आपको थोड़ा सा बाहर का लोकेशन दिखा देता हूँ, ये इस तरीके से इन्होंने अपने किचन के आस पास हमारी बाइक पार्क करवा दी है। सो वो कोई इशू नहीं है, बाकी ए सी बढ़िया चल रहा है, दिखा देता हूँ ये सारी चीज़ें। और अभी देखो कितना काला पड़ गया हूँ मैं भाई, आज पूरा बारिश ही बारिश में चले हैं, कंटिन्यूसली बारिश में चले हैं। एंड ये पड़े हैं अपने जैकेट, हेलमेट वगैरह, टीवी मैंने बंद कर दी, आप लोगों को शोर नहीं सुनाई थी, एसी चल रहा है, नेट से साउंड सुन लो। और ये है यहाँ का बाथरूम, जस्ट लाइक ओके ओके है, बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, इसको लॉक कर देते हैं, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। बाकी यार ठीक है रूम, हमें एज यूजल यहाँ पर रात ही काटनी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, सुबह हम फिर आगरा को निकल जाएंगे। और आई थिंक ये वाला डे थ्री वाला ब्लॉग यार मेमोरेबल रहेगा, क्यों प्रथम? अब तक का सबसे टॉप ऑफ द लाइन, मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं एक्सपेक्ट किया था जो हमारे साथ होगा, इतना बढ़िया मेमोरेबल ये वक्त हमारे लिए इतना मेमोरेबल गया है ना कि बस क्या ही कहने। और फूड वूड हमने खूब पेल करके खाया, बर्नआउट मारा, और गाड़ी अच्छी भगाई बिल्कुल नदी के किनारे, गंगा जी के किनारे, मतलब हर तरीके का एक्सपीरियंस टॉप नॉच था। सो मैं अब ये चाहता हूँ कि आप लोग इसको यार सपोर्ट करें, कैसे भी करके लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आप देख लो बॉडी पेन कितनी टेनिंग हो गई है इस फेस पर, अब 10 रिमूवर लगा के इस टेनिंग को हटाऊंगा, और खा खा के थोड़ा सा पेट पर भी असर आ गया, ये देख लो हल्का सा दिख रहा होगा। सो प्रथम अपनी लग गया है स्टोरी अपलोड करने के लिए, लैपटॉप रेडी है, डेटा कॉपी होना है, गोप्रो उधर पड़ा हुआ है, एक इसमें से डाटा उठाना है, इस वाले गोप्रो में से ही भाई चालू रह गया है, अभी इसमें से भी उठाना है। सो होप करता हूँ दोस्तों ये वाला ब्लॉग आपको अच्छा लगा, क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब। कल सुबह यहाँ हरिद्वार से आगरा तक हम घर तक की जर्नी और दिखाएंगे आपको, वो होगा डे फोर का ब्लॉग, आज ये डे थ्री का था। सो डे थ्री की राइड भी बहुत सक्सेसफुल रही यार, थैंक यू दोस्तों आप लोगों ने सपोर्ट करा यहाँ तक, बाय बाय।